तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ ये है राजू कि तुम बोलते बहुत हो भाई। अच्छा हाँ। मुझे भी ऐसे ही लगता है बाबा जी, बहुत सोचा कि इसकी वजह क्या हो सकती है, आखिर एक नतीजे में पहुंचा कि हो ना हो मेरी माँ जरूर किसी स्कूल में पढ़ाती होगी। एक तो औरत जात जो वैसे ज्यादा बोलती है, उसके ऊपर स्कूल की टीचर हो गई छुट्टी। और जो मेरे पिताजी थे ना, मुझे यकीन है बाबा जी कि वो जरूर कोई महान संगीतकार होंगे, ढोलक बजाते होंगे, पखावज बजाते होंगे, मृदंग बजाते होंगे। तत्स्वरूप कि जब मैं पैदा हुआ तो बजाय रोने के मैं सारे गामा पादानी सा हाथ तरह से मारा था, जैसे कि मैं डफली बजा रहा हूं डफली। हाँ जितना मना करता हूँ उतनी ज्यादा बकवास करते। अब अगर लग भी बोला ना तो मंदिर से निकाल के बाहर कर दूंगा बाहर, समझे? अरे अरे कहाँ जा रहे हो आप? मंदिर की बात करते हैं ना, मैं तो गांव ही छोड़ देता हूँ, मुझ जैसे अनाथ का क्या है? 10 दिन इस गांव में, 10 दिन उस गांव में, एक महीने से ज्यादा एक जगह में कभी ठहरता नहीं था, और आपको भी मालूम है ये। लेकिन मुझे ये थोड़ी मालूम था कि आपका प्यार मुझ पर ऐसा जादू कर देगा कि मुझे आपके रूप में माँ बाप भगवान सभी मिलेंगे। लेकिन अब राम 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 राम। राजू इधर आ, इधर आ, बैठ जा। मैंने कहा बैठ जा। देख आइंदे कभी ऐसी उल्टी सीधी बात की ना तो मैंने जो दवा दी थी वो खाई थी? खाना खाया था? कहाँ? मास्टर जी के यहाँ। तब तो खूब छक्के खाया होगा। खाना खाना याद रहता है, दवा खानी याद ही रहती, कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने की।